बहुत सारी रोटी बच गई रात की, अब इसका क्या करें। अब इसका हम बनाएंगे नया नाश्ता जो क्रिस्पी, मज़ेदार और टेस्टी बहुत है। इसके लिए हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं, कटे हुए प्याज, कटे हुए टमाटर, कटे हुए हरी मिर्च और धनिया पत्ता डालकर इसमें नमक डालना है, चाट मसाला डालना है, सब्जी मसाला डालना है, मिक्स मसाला जो आता है, और मिर्च मसाला डालकर इसे सब कुछ को मिला लेंगे। और पतले स्लाइस में एक प्याज को हम काट के अलग से रख लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्ची डालकर मिला के रख लेंगे। अब जितने भी रोटी हैं सभी रोटी के हम बीच में रख कर एक साइड में हम अपने जो मिक्सचर बनाए हैं उसको रख देंगे। एक साइड में रखना है और एक साइड से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। इसमें पहले हम अनियंस डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इस तरह से मोर कर सैंडविच के स्टाइल में इस तरह से हम सभी रोटी को रेडी कर लेंगे। और एक पैन में हम ऑयल डालेंगे, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं, मैं तो सरसों तेल डाली हूँ, मेरे पास घी नहीं है। आप अमीर हो तो भैया डाल लो घी। और फिर इसमें रोटी डालकर हम दोनों साइड से हल्के आंच में क्रिस्पी होने तक पकने देंगे। और क्रिस्पी होने के बाद बस इसे हमें निकालना है और डेकोरेशन करके एकदम से खाना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर बजा लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मुझे सपोर्ट करें और मज़ेदार रोटी सैंडविच खाएं और सबको खिलाएं। वीडियो पसंद आए